हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक इक्वेशन करके देखेंगे इसको किस तरह से करते हैं। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब ए प्लस बी का जो ये होल स्क्वायर होता है, इसका मतलब होता है इसको हम ए प्लस बी को दो बार लिखते हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन समझते हैं इसको हम। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो ये वाला पहले वाला ए होता है, इसको पूरी इस इक्वेशन से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ए ए मल्टीप्लाई, मतलब पूरा ब्रैकेट वाला ले लिया ए प्लस बी, फिर बीच में हम जो ये वाला प्लस वाला साइन होता है इसको लगाएंगे, और जो ये बी वाला है वापस इसको हम पूरी इस आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, प्लस ए को बी से मल्टीप्लाई किया ए बी, फिर प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, ए को बी से मल्टीप्लाई किया ए बी, फिर बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर। हम ए स्क्वायर है इसको एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस ए बी, और ए बी दो बार है तो इसके साथ हम वन कंसिडर कर लेते हैं कि ये वन 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 प्लस वन टू ए बी एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस में बी स्क्वायर। आपने सुना होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब आप ये कई बार सोचते होंगे कि कैसे आ जाता है, तो इसका एक इस तरह से मेथड होता है, ए प्लस बी को टू टाइम्स लिखते हैं, उसके बाद ए से दूसरे वाले पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बी से उसी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं और हमारा आंसर ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आ जाता है। आपको ठीक कैसा लगा मेरा ये समझाने का तरीका मैथ्स के इक्वेशन का, बताइएगा ज़रूर। प्लीज़ लाइक कीजिएगा और आगे भी फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि लोगों तक इसकी ये आइडेंटिटी एक्चुअली किस तरह से क्लियर होती है वो पता चल जाए, किस तरह से इसको क्रैक करते हैं। थैंक यू।